चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम आप कब से कर रहे हो? ये तो जी आप हनुमान में बचपन से ही कर रहा है जी। बस गाँव में पहले परचून की दुकान थी, उसके पास में एक और दुकान थी हमारी, तो हनुमान लोग दोनों रेड मिल गए। शुरुआत में वैसे शुरुआत इस मिट्टी के काम से करी थी मैंने, साथ ही पटका छोड़ दिया था जी मैंने। आपके परिवार में कौन कौन शिल्पकार का काम करते थे? बर्तन बनाने का भी मेरे पिताजी कर रहे थे, बस उन पर भी जब बनते नहीं, मेरे पास सब कुछ जो है मोल का है, चुग्गे से लेकर बड़े बड़े का। आपने यह काम क्यों नहीं सीखा? ये काम इन्होंने सीखा जिसमें मेहनत ज्यादा है, इसकी कारागारी मिलती नहीं, इन्होंने सीखा जी। इस तरह बैठा है 400 रुपये की मजदूरी कर ला दी, वो ठीक है। कितने महीने आपको यह काम चलता है? इस साल भर में 6 महीने चले, 6 महीने तक ही फिर यही करना पड़े, अड़क अड़क उसमें भी जा रहा, मतलब 700-800 की 500 की दुकान दे रहे ऐसे। सुबह किस समय आते हो, शाम को किस समय जाते हो? यही रहना पड़े 24 घंटे, यह काम ऐसा है भाई, इसी घड़ी तो मैं निकले जा नहीं सकता मैं। रोजाना थैने धरने में टूट जाएगा, यही पन्ने ढकने पड़े रोजाना फिर यही खोलना पड़े। बारिश हो, झड़ हो, बूंदी हो, मी हो, जाड़ हो, कुछ हो, एक भाई को तो आज कर भैंस घूमते तो बहन जाए, इस तरीके से बंद कर आना पड़े जब जाएगा काम चल रहा। खाना तो 3:30-3:30 बज जाए जी, दोपहर का खाना खाने जी, सुबह की चाय मेरी पी जा, इस वजह से बार में हो काम, फिर रात का 9-10 बजे हो। कभी कभी बना लें अभी जी यहाँ से खिचड़ी वगैरह, और कभी कभी मिट्टी के बर्तन तो कम से कम होंगे 30-40 प्रकार अलग अलग। एक दिन में कितने बर्तन बिक जाते हैं? बिकने का तो है जी सीजन है हमारा, थोड़ा सा दिवाली का है जी, और थोड़ा सा गर्मी का सीजन का है, घटेगा जो भी डाउन हो लिया, यू मार्च से शुरू हो जाए हमारा सीजन, ये जो भी डाउन हो चुका है। इसमें जो है बिकने की बात ऐसी है जी, 1000-2000 रुपये का बर्तन बिक जाए जब सीजन चले 3-3.5 का। इसमें भी बहुत है झग मार का है, गैक का तो पैसे जेब में तो काटने पड़े हैं, नहीं तो पैसा मिलते नहीं मेहनत का, घर आके कहता है मिट्टी तो है। इस बात पर जब ग्राहक आए तो हमें बहुत गुस्सा आ गया, अगर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती हम इस काम को करने थे, अपने घर पर छोड़ के यहाँ अपने जागते बड़े छोड़ कर बैठे। अब इसे भेज देंगे फिर 2-4 महीने बाद कह देंगे मुझे लेना जाओ, ऐसा कुछ नहीं है मामला। ये काम करते ही सबसे बड़ी समस्या फिलहाल रहने की आ रही है, जैसे गर्मी का दौर चला हुआ है, यहाँ मेरे पास कोई बिजली का साधन नहीं है,
हम कर नहीं सकते। इस टाइम जो है आंधी तूफान आ जाए बाजी पर ठाड़ा जबरदस्त, उसमें हमारा नुकसान होगा था। आपने अपने बच्चे के भविष्य के लिए आगे क्या सोचा? हाँ जी सोचा मगर जी अपना मैं जो आमदनी कर रहा था मैं तो पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, जितनी मेरे तय वो होगी उससे ज़्यादा वो करूँगा जी, पढ़ाने लिखाने में पीछे नहीं रहने का मैं। बहुत गर्मी किस्मत है जी मेरे तो, कहाँ है पढ़ेगा अपना बच्चे अंगा तंगा कहीं भी कुछ हो जाए। ये जो जनवरी आवेगी अब क्या सन 2023 की चल रहा ना, ये जो जनवरी आवेगी 24 लग जाएगा उस टाइम, तो मुझे इसमें 3 साल पूरे हो जाएंगे जी, सन 2021 में आता है मैं।